What is the sun? The sun is a medium-sized star closer to the earth. It emerged to... हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, आप भी इसे पढ़िएगा ज़रूर। इस बुक का नाम है ऑल अबाउट स्पेस सोलर सिस्टम एंड एनसाइक्लोपीडिया। देखिए बहुत अच्छी बुक है, मैंने ये आज और कल पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी। आप अगर चाहें तो हो सकता है आप ही बच्चे या आपके बेटे बेटियाँ, आप है ना अपने बेटे बेटियों को या फिर खुद ही इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, मोबाइल गेम्स और टीवी कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ छोड़ दीजिए, डिजिटल चीज़ें। मैं जल्दी से मेरी जबान हो गई, आप इतनी ज़बरदस्त बुक है मेरे पास है ना, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है। इनको पढ़ने में जो मज़ा आता है वो पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ों में नहीं। मैंने ना अंकल को ये देखिए, ये भी स्पेस की है, दिख रही है, ये भी स्पेस की है। मेरे पास है ना शायद कितने क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन वाली बुक का मैंने एक फ़ोटो खींचा था अमेजोन पर से, लेकिन वो मैंने अंकल को दिखाया, अंकल ने कहा नहीं ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल है हमने वो दिखा दी। अंकल ने मुझे ये दी, मैंने इसे फ़ौरन बाय कर लिया। और मैंने इसे पढ़ा, ड्रीमलैंड पब्लिकेशंस की बुक है और वो वाली उनके बुक्स बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने फ़ौरन उसे बाय कर लिया। और क्या हुआ, मैंने दो तीन भी इसकी ऐसे बुक्स पढ़ी हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या। देखिए पहला पेज तो ऐसे ही है, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर ड्रीमलैंड पब्लिकेशंस का सब कुछ है, यहाँ पर इसमें ऐसा है प्रीफ्रेंस। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है ना ये ट्रिविया क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब इसमें क्वेश्चंस भी खुद दिए हुए आंसर्स भी खुद दिए हुए। सॉरी, व्हाट इज द सन, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द सन। द सन इज अ मीडियम साइज स्टार क्लोजर टू द अर्थ। It emerged from a huge dark gas cloud around 4.6 billion years ago. OMG. In one of the arms of the Milky Way, with a diameter of 1,392,000 kilometers, it's 109 times the diameter of the Earth. Oh, wow. ये पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ पूरे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, आप ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वैसे पता है, मुझे पता, आपको भी पता होगा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूँ। द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अराउंड 5,500 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है यहाँ पर क्या कहा गया है, मतलब साइंटिस्ट ने बताया गया है कि हाइड्रोजन सन में ऊपर की लेयर में इतना है कि ऊपर की लेयर 5,500 डिग्री सेल्सियस है सन का ऊपर का, बताइए 100 डिग्री सेल्सियस वो ही बॉइल कर देता है, ये कितना ज़्यादा होगा। वाइल द टेम्परेचर एट इट्स सेंटर इज अबाउट, मतलब सन का बिल्कुल सेंटर का जो एरिया ना, जैसे सन में ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी तो है, एक ऐसी बॉल है ना, बिल्कुल वैसे सन का बीच वाला हिस्सा कैसा होगा, 15 लाख डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा सन का बीच का, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। दिस हैपन्स बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस कीप टेकिंग प्लेस एट द कोर ऑफ द सन, वाइल विच मेक्स इट शाइन एज वेल एज इमिट लाइट एंड हीट इन एवरी डायरेक्शंस। अगर आपको वॉटर सनस्पॉट्स, अगर आपको इसका आंसर ढूंढना है तो आप इसे जल्दी से बाय करिए और आगे के और देखिए इसमें कितने सारे अच्छे अच्छे कलर्स दिए गए हैं। वाह, ओएमजी।
और इसका भी आंसर अब ढूंढिएगा अपनी जब आप खरीदेंगे. वॉट डिड मैरिनर 10 लर्न अबाउट मरकरी, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा. देखिए कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं. अगर आपको कोई सा पेज देखना है तो फौरन पॉज कर लीजिएगा. ठीक है, जुपिटर का अंदर का पार्ट, जुपिटर का अंदर का पार्ट, और ये सैटर्न. देखिए कितना अच्छे कलर्स दिए गए. अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर सीइंग दिस बुक. आप है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और दूसरी कौन सी बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं जो आपको देखनी होगी. मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जितनी मैं कोशिश कर पाऊँ मैं उतना ही बताऊँगा. किसी भी टॉपिक पर बता दीजिए. थैंक यू.